नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। हमने कल देखा कि ग्वार सीड ग्वारकम के अंदर एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। एक्सपेक्टेड है आज भी ग्वार सीड ग्वारकम में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। आज के लिए ग्वारकम सपोर्ट 6220, रेजिस्टेंस 6440, ग्वार सीड सपोर्ट 3980, रेजिस्टेंस 4200। वहीं अगर हम मेंथा ऑयल की बात करें तो मेंथा ऑयल में भी कल हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखा है। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड से भावों को सपोर्ट मिल सकता है, तो मेंथा ऑयल के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। मेंथा में सपोर्ट 985, रेजिस्टेंस 1030, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। एडिबल ऑयल्स की बात करें तो यहाँ पर हमने एडिबल ऑयल्स में सोयाबीन के अंदर खरीदारी बनते हुए देखी है। सोयाबीन में सपोर्ट 7370, रेजिस्टेंस 7620। आरएम सीड सपोर्ट 6850, रेजिस्टेंस 7060। क्रूड पाम ऑयल सपोर्ट 1030, रेजिस्टेंस 1063। एडिबल ऑयल्स में एक मिक्स ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि यहाँ पर एक मिला जुला रुख रहेगा। हालांकि खरीदारी का ट्रेड लोअर लेवल पर देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। कॉटन कपास खल की बात करें तो यहाँ पर हमने अगेन पॉजिटिविटी आते हुए देखी है। एक्सपेक्टेड है कॉटन कपास और खल के अंदर दोबारा तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो कॉटन कपास खल के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। कॉटन में सपोर्ट 24750, रेजिस्टेंस 25550। कपास सपोर्ट 1240, रेजिस्टेंस 1360। कॉटन सीड ऑयल की एक सपोर्ट 2800, रेजिस्टेंस 2980। तो कॉटन कपास और खल के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।